हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ सिक्स्थ क्लास आईसीएससी बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर चैप्टर टू द सेल। तो आज हम सेल के बारे में बात करेंगे। सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी में सेल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वो सब सेल से ही बने होते हैं। सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाती है और हमारी बॉडी के सारे काम, जैसे कि चलना फिरना, खाना, इन सब के लिए सेल ही काम में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें कि सेल जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी सेल की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को देखा। उन्होंने कॉर्क में देखा था। कॉर्क जो है वो एक पेड़ की बार्क जो होती है उसको बोलते हैं, एक पेड़ के ट्रंक को। कॉर्क सेल में उन्होंने जो देखा था वो असली में उन्होंने सेल की कवरिंग देखी थी, सेल वॉल, लेकिन उसी को वो सेल समझ बैठे थे क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप इतना डेवलप नहीं था, और उन्होंने इसी को सेलुला नाम दिया था। सेलुला मींस कंपार्टमेंट। जिस तरह रेलगाड़ी में डिब्बे होते हैं, उसी तरीके से उन्हें कॉर्क के अंदर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिसको उन्होंने सेला का नाम दिया। लैटिन लैंग्वेज में सेला, और वैसे इसे हम सेल कहते हैं। सेल के बेस पे देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसे एक और एनिमल है पैरामीशियम, ये दोनों ही पॉन्ड वाटर में मिलते हैं। पानी के एक बूंद में आपको 2 से 3 अमीबा मिल जाएंगे, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी तरफ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे कि आम का पेड़, हम लोग, कोई कुत्ता, जानवर, मच्छर, मकड़ी, इन सभी में हज़ारों लाखों सेल होती हैं, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन मैनी सेल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन सिंगल सेल। तो अब सेल के शेप की अगर हम बात करें तो सेल का शेप कई हो सकता है, जैसे कि हमारी जो मसल्स फाइबर हैं वो थिन और लॉन्ग होती हैं, स्किन सेल फ्लैट होती हैं, और प्लांट की सेल जो हैं वो पाइप लाइक होती हैं, ट्यूब लाइक, जिससे कि वो मटेरियल को इधर उधर पहुँचा सकें। और अगर हम बात करें हमारे सबसे छोटी हमारी बॉडी में कौन सी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, तो ब्लड सेल है, RBC, रेड ब्लड सेल्स, और वैसे सबसे छोटी सेल होती है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की सेल। कुछ जो सिंगल सेल हमारी बॉडी में है वो है ओवम की सेल, और हमारी बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन। ऐसे हमारी बॉडी में बोन सेल होती हैं, मेल की बॉडी में स्पर्म सेल होती हैं जो फीमेल की बॉडी के ओवम से मिलकर फर्टिलाइजेशन करती हैं। सेल का साइज़ भी वेरी करता है, और सेल का साइज़ माइक्रोन में भी हो सकता है। 1 माइक्रोन का मतलब 10^-6 मीटर, मीटर के 6th पार्ट को 1 माइक्रोन कहते हैं, यानी कि बहुत छोटा हुआ, 1/1000 ऑफ मिलीमीटर। तो एवरेज साइज़ जो है सेल का रेंज अगर हम देखें तो 10 से 30 माइक्रोन्स जो है इसका साइज़ हो सकता है। बैक्टीरियल सेल की साइज़ जो होती है 0.2 से 0.5 माइक्रोन डायमीटर में होती है। और मैंने बताया लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल होती है, और नेक ऑफ जिराफ के अंदर पाई जाती है। जैसे हमारी बॉडी में भी नर्व सेल हैं पूरी बॉडी में, और इनका मेज़रमेंट करें तो ये 3 मीटर तक भी हो सकती हैं। तो ये तो बात थी कि सेल की शेप कुछ भी हो सकती है, ओवल, सर्कुलर, और साइज़ की बात हुई। अब हम बात करेंगे इस बारे में कि जो सेल है उसके बारे में, एक अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है। सेल को 2 पार्ट्स में मेनली हम डिवाइड कर सकते हैं, एक पोर्शन उसकी आउटर कवरिंग यानी सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा उसके अंदर का लिक्विड यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है चाशनी जैसा, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और एक गोल गोल स्ट्रक्चर बॉल जैसा होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गन्स पड़े होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गलीज कहते हैं,
और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में फूड वगैरह पड़ा होता है, फैट स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, उसे सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। तो सेल ऑर्गनेल्स और सेल के जो स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल में स्टडी इस चैप्टर में हम करेंगे। तो सेल ऑर्गनेल्स क्या होते हैं? जिस तरह हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं आई ईयर नोज स्किन, उसी तरह हमारी हर सेल के भी ऑर्गन होते हैं। उन सेल ऑर्गन को हम ऑर्गन्स नहीं कहते, क्या कहते हैं? सेल ऑर्गनेल्स कहते हैं। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज सेल इंक्लूजन्स। तो हर सेल जो है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसके चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस तरह कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, ऐसी हर प्लांट और एनिमल सेल के चारों तरफ कवर होता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हालांकि प्लांट सेल के पास दो दो कवर होते हैं, सबसे बाहर जो कवर होता है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और वो उसके अंदर वाले कवर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में चारों तरफ एक ही कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को। जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल फ्रीली परमेबल होती है, सबको आने जाने देती है, चाहे कोई भी मटेरियल आ सकता है, जा सकता है सेल के अंदर। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सबको आने जाने नहीं देती है। हो सकता है पानी को जाने दे क्योंकि उसके मॉलिक्यूल छोटे हैं, लेकिन शुगर को ना जाने दे क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बड़े हैं। तो वो सिलेक्टिवली यानी सेमी परमेबल होती है। सेल के अंदर का जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है और न्यूक्लियस, उन दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी जे ई पुरकिंजे साइंटिस्ट ने की थी। प्रोटोप्लाज्म जो है उसका सेल के अंदर का सारे पोर्शन को कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में एक तो न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसी में सेल ऑर्गनेल पड़े रहते हैं। सेल ऑर्गनेल्स के कई एग्जांपल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सेल ऑर्गनेल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल का मेन पार्ट होता है। न्यूक्लियस होता है तो सेल लिविंग होगी, और जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता वो सेल डेड होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल काफ़ी रिजिड आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की बनी होती है, जिसका नाम है सेलुलोज। तो सेल वॉल इज़ मेड अप फ्रॉम सेलुलोज। ये नॉन लिविंग होती है और ये प्लांट सेल में ही केवल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल जो है वो सेल को शेप देती है और रिजिडिटी यानी टफनेस देती है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन भी देती है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गनेल्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल सब्सटेंस को फ्रीली मूव करने देती है, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जा सकता है और आ सकता है, और इस तरह से ये फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिन और फ्लैक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, और ये भी शेप देती है, प्रोटेक्शन करती है, लेकिन ये सेमी परमेबल यानी सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये कुछ ही सब्सटेंस की अलाउ करती है एंट्री सेल के अंदर, सारे सब्सटेंस को सेल के अंदर नहीं जाने देती, लिविंग है ये। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मिलती है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है, प्रोटेक्शन करती है, सेल को शेप देती है। उसके बाद सेल के अंदर जो लिक्विड है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक फ्लूड होता है, जिसमें वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, और ये हमेशा लिक्विड मोशन में रहता है, मूव करता रहता है सेल के अंदर। उसके बाद सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गनेल की बात हम करेंगे, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल या रेगुलेट करता है, अगर न्यूक्लियस होता है तो ही सेल लिविंग होती है। न्यूक्लियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। जिस तरह से लाइट को जनरेटर कंट्रोल करता है, उसी तरह से सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस स्फेरिकल या ओवल शेप में हो सकता है, यानी ये सर्कुलर या फिर ओवल होता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दो होती हैं, इसलिए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस होती हैं। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म यानी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस का जेली लाइक सब्सटेंस है, इसलिए उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रैनुलर यानी दानेदार होता है, और इसके अंदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके सिंगुलर फॉर्म को न्यूक्लियोलस बोलते हैं।
न्यूक्लियोप्लाज्म में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है, जाल होता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन को अगर हम खोलेंगे तो उस छोटे छोटे स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, उसका नाम है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि माँ बाप से करैक्टर बच्चों में यही ले जाते हैं। क्रोमोसोम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि माँ बाप से करैक्टर बच्चों में ले जाता है, इसी को हेरिडिटरी मटेरियल कहेंगे, यानी कि ये हेरिडिटरी करैक्टर को रखता है, ऐसे करैक्टर जो माँ बाप से करैक्टर बच्चों में जाते हैं। और न्यूक्लियस जो है उसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ही सेल को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे ट्रांसमिट द करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम एक धागे जैसी संरचना है जो माँ बाप से करैक्टर बच्चों में ले जाती है। क्रोमोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीज़न करने में क्रोमोसोम हेल्प करते हैं। सेल डिवीज़न क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स फ्रॉम पेरेंट सेल इज़ नोन एज सेल डिवीज़न। डॉटर सेल का पेरेंट सेल से बनने की जो प्रोसेस है उसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जो अलाउ करती है कुछ ही सब्सटेंस की एंट्री को, और हेरिडिटरी करैक्टर वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक करैक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। इसके आगे का वीडियो मैं बाकी सेल ऑर्गेनेल्स का इसके बाद बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।